वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है, हम इस बार औरंगाबाद जा रहे हैं। ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं है, एक दिन के लिए ही वहाँ से इलोरा के केव्स देखने का प्लान है। तो आज है फ्राइडे इवनिंग, हम दोनों ने अपना ऑफिस कंप्लीट किया और आज हमारी रात की ट्रेन है CST स्टेशन से। हाँ, यू हर्ड इट राइट, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, इस बार हम ट्रेन से जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम था, डिस्टेंस ज़्यादा, तो हमने सोचा बेटर नाइट की ट्रेन है, आराम से पहुंच जाएंगे कल सुबह तक। तो हमारी ट्रेन CST से 9:30 बजे की है। कैब ऑलरेडी नीचे आ गया है, अभिजीत ने बैग्स पैक कर लिए हैं और हम अभी जल्दी से निकल रहे हैं स्टेशन पे जाके। फिर बाकी का अपडेट देखते रहिए, ये पूरा वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है। Train and this is how the train looks like. It's the first class compartment we have taken this time. So hopefully it's going to be a comfortable journey. अभी bags रखने हैं। Guys, शौकत अभी लगी हुई है, फुलाने हैं, ये pillow है। ये Chinese वाले इसीलिए इतना time लग रहा है। किसने बोला था Chinese खरीदने के लिए? सस्ता है टिकाऊ। हम घर से खाना वाना लेके आए हैं, ये आपको दिख रहा है, इसमें मोमोज नहीं है, घर का खाना, घर की बनाए पराठे और सब्जी लेके आए। लेकिन मेरे को भी खाने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये बिस्तर भी हमारा सेट हो गया है, ऊपर मैंने अपना चादर बिछा दिया है, नीचे अभिजीत का बिस्तर रेडी है बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है की कल सुबह काफी मजा आ रहा है, बट एवरी ऑसम इट इज। कभी कभी ट्रेन में भी ट्रेवल करने में मजा बहुत आता है। नहीं, आपको ये बताना था कि कल सुबह हमारा ट्रेन पहुंचने वाला है अराउंड 4:15 औरंगाबाद स्टेशन, एंड वो सिर्फ 5 मिनट रुकता है, जिसमें हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से सोना पड़ेगा, सो जाए। हाँ एग्जैक्टली, खाना वाना खा के सो जाए। कल का लंबा दिन होने वाला है, तो सुबह 5 बजे कोई होटल को मिलता नहीं, तो ऑब्वियसली आज की बुकिंग भी करा के रखी है। I must say one thing, you know, we are in a first class compartment, but ye compartment dekh ke koi first class utna lag nahi raha hai. It's very old. Anybody watching from Indian this Railways? Anybody watching from Indian Railways, yaar, thoda to kadar karo, first class ke to kadar karo. Mujhe nahi lagta kuch bhi phir bhi change hone wala hai. Ye short distance train hai, to jitna mil raha hai usi mein khush raho. Aur abhi roti sabzi kha ke so jao. Kal subah bahut lamba din hai, to kal milte hain guys. Bye. So it's 4:30 in the morning, Saturday morning, और अभी हम उतरे हैं औरंगाबाद स्टेशन पे। 4:30 नहीं हुआ है, 4:15 एक्चुअली। 4:15। बहुत नींद में है, होटल जाके बात करते हैं। तो हम होटल पहुंच गए, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:00, राइट? हाँ, वी आर स्टेइंग एट क्लिक होटल एट औरंगाबाद। इट्स क्वाइट अ डिसेंट होटल, थोड़ा बहुत आपको ऐसे दिखा दूँ अभी, बाकी का डिटेल रूम टूर कल देते हैं। अभी तो बहुत नींद आ रही है, थोड़ा और सोएंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट है होटल में, तो होपफुली ब्रेकफास्ट तक हम लोग जग जाए, राइट? होपफुली। सो लेट्स मीट टुमारो। So guys, this is the next day morning, और please ignore the mess पीछे। अभी हम लोग निकल रहे हैं तैयार होके, we had breakfast at the hotel itself, और हाँ ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं था। इट्स अ बिजनेस 3-star बिजनेस होटल, तो अगर एक दो दिन के लिए आना हो तो लोकेशन वाइज एंड अदरवाइज हाइजीन एंड एवरीथिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होटल है। तो जो भी है, गाड़ी बुक की है हमने एक, तो होटल वालों से ही पता करके एक ट्रैवल्स के थ्रू हमने एक गाड़ी बुक कर ली है पूरे दिन के लिए। 2-3 जगह पे जाएंगे क्योंकि एक ही दिन का टाइम है, इतनी जगह सारे जगह कवर नहीं कर सकते, तो हम लोग इलोरा जा रहे हैं फिलहाल, यही प्लान है। और फिर आगे आप देखते रहिए, कुछ चेंजेस होता है तो हम ऑफकोर्स आपको बताएंगे। फिलहाल गाड़ी नीचे आ चुकी है, हम बस नीचे उतरने वाले हैं और अभी गाड़ी में बैठ के आगे का अपडेट। We just reached Ellora Caves, यहाँ पे अभी टिकट लेनी है। This is where you enter from. तो अब
अभी वी जस्ट एंटर्ड. आपने देखा जो मेन गेट है वहाँ पे टिकट काउंटर से एंटर किया. यहाँ पे ऑप्शंस है गवर्नमेंट गाइड लेने के या प्राइवेट गाइड लेने के. सो वी डिड नॉट टेक एनी गाइड्स ओवर हियर बिकॉज हमारे पास टाइम एक तो बहुत ही कम था एंड द अदर थिंग इज़ हम लोग खुद ही देख लेंगे जितना खुद से देख सके. तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है गाइड लेने के लिए तो यहाँ पे टिकट काउंटर के वहाँ से गवर्नमेंट गाइड्स दे यूजली चार्ज अराउंड 8 to 1,000 rupees डिपेंडिंग आपको कितना देखना है कितना टाइम स्पेंड करना है. और प्राइवेट गाइड्स भी हैं अवेलेबल तो आप अपने अकॉर्डिंगली उनसे बार्गेन कर सकते हैं. और हमारे सामने ही अभी हमें केव्स दिख रहा है. सो देर आर इन टोटल 34 केव्स इस जगह पर राइट. तो देखते हैं कितना हम लोग देख सकते हैं टाइम में. तो ये केव 16 का पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द केव. अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. This is some place I've never been to. इतने बड़े केव्स के अंदर have you ever been to? Yeah, मैं बहुत सालों पहले बचपन में आई थी with my parents, लेकिन अभी तभी तक की तो आधी चीजें याद ही नहीं है. For me, this is the first time. चलिए आपको आगे और दिखाते हैं कैसा है. जमाने में ये इतने बड़े बड़े पत्थर इन लोगों ने कैसे काटे हैं विदाउट द मॉडर्न मशीनरी. इट्स रियली अ पीस ऑफ आर्ट एक्चुअली. आई मीन और मेरे पीछे वगैरह देख सकते हैं ये हाथी वाथी जो बनाए हुए हैं. आई मीन जस्ट देखिए एंड माइंड यू दिस सो पिक्चर परफेक्ट. क्या आप एजेस देखिए एक बार how those people used to manage it. It's amazing. It's really amazing. Okay. ये देखिए मैं जो बोल रहा था edges. It's absolutely straight. तो हमारा जो ड्राइवर है आसिफ जो हमको यहाँ पे लेके आया वो आते आते हमें ऑन द वे काफ़ी कहानियाँ बता रहा था स्पेशली अजंता की कि अभी अजंता की हालत कितनी ख़राब हो गई है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है. साथ में 50-100 लोग एक साथ जा रहे हैं. वहाँ के जो पेंटिंग्स हैं बिल्कुल डैमेज हो गए उसकी वजह से क्योंकि इतने सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं. तो वो ओरिजिनल पेंटिंग्स अभी कुछ भी नहीं दिखती है उसके मुकाबले. अजंता इज़ स्टिल बेटर. इलोरा इज़ मच बेटर. बट यहाँ पे भी काफ़ी डैमेज के अगर आप देखें तो काफ़ी डैमेज के साइंस आपको दिखेंगे. काफ़ी स्कल्पचर्स देखिए मेरे पीछे अगर दिख रहा है तो ये थोड़े डैमेज हो गए. तो ये ऊपर का पोर्शन है. ये जो हम बीच में सेंट्रल एरिया से जा रहे हैं उसके ऊपर भी लोग जाके वहाँ पे देख रहे हैं. सो बहुत बड़ी जगह है 34 केव्स. तो ये 34 केव्स एक ही दिन में कवर करना तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता पॉसिबल है. बट जितना हम देख सक रहे हैं एंड इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग. इतना कुछ देखने के लिए है समझने के लिए है. मतलब आपको 2-3 दिन तो लगेंगे अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है पूरा धीरे धीरे सब कुछ देखने के लिए. सो गाइज वी आर जस्ट गोइंग अप द स्टेयर्स राइट नाउ. ये देखिए ये व्यू है इधर से. आगे निकल जाएंगे ना.
देयर इज अ मंदिर ओवर हियर. वो बनाए 5 to 7 सेंचुरी में. वो केव्स बाहर जाके गेट के बाहर जाने पर लेफ्ट साइड है. इस गुफा को 16 नंबर गुफा है, पर ये 16 पिलर भी 16 है. ये 4 पिलर वो 4 16 से. इस पिलर का एक महत्व है जो 12 पिलर है. कलश के कलश होते हैं ना, कलश ये कलश होते हैं. देखिए ऊपर तो मैरिज के बाद जो गेम खेलते हैं ना, चौसर सारी पार्ट, ये बोर्ड है. मूर्ति खंडित हो गए, ये पैनल नीचे है. कैसे डैमेज हो गया? जो जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते वो लोग तोड़ सकते थे. समझ गए. अच्छा, एक तरफ से ब्रह्म है, इधर से विष्णु, इधर से ब्रह्म है. एक अंदर अवसर भगवान को परिक्रमा उधर से दिखा है. हिमालय जाने जाते दिखा है. कैसा नंदी के ऊपर बैठ के हिमालय जाते दिखा है. जैसे उनके गोद में कार्तिक भगवान बैठे हैं. अच्छा, सो दिस इज अ व्यू फ्रॉम द टॉप. ये ऊपर से व्यू है. हम वहाँ पे खड़े होकर आपको नीचे दिखा रहे थे. दिस इज द व्यू ऑफ द एंट्रेंस फ्रॉम द टॉप. यहाँ से एंट्रेंस हो रही है. So, ये पहले ज़माने के ये दरवाजे थे. ये देखिए पूरे पत्थर के हैं. यहाँ पे पता नहीं कैसे क्या होता था. अभी तो कोई दरवाज़ा ऐसा है नहीं. और ये आपको नीचे से दिखा रहे थे, यहाँ पे ऐसे मूर्ति मूर्ति बने हुए हैं. तो अभी हम केव नंबर 16 से केव नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं. पता नहीं अभी रास्ता ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे वॉकिंग काफ़ी करनी पड़ती है. तो अभिजीत खुश है कि उसके कार्डियो का टारगेट रोज का पूरा होने वाला है. तो बी रेडी, कंफर्टेबल कपड़े और जूते पहन के आइए, क्योंकि काफ़ी वॉकिंग स्टेयर्स ये सब बहुत होता है. सो ये है केव नंबर 10. केव नंबर वो कौन सा था, फर्स्ट वन हमारा 16. तो अभी हम केव नंबर 10 में आ जा रहे हैं. यहाँ पे भी आपको चप्पल उप्पल खोल के घुसना होता है. दिस इज बेसिकली बुद्धिस्ट केव. That was a Hindu cave. So we are now entering the cave. आप देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध का स्टैचू है, स्कल्पचर है. कमी होने की वजह से हम अभी प्रस्थान कर रहे हैं एलोरा केव से. बहुत ही सुंदर अनुभव रहा इस हिस्टोरिक जगह पे. वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, जिन लोगों को नहीं पता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ज़रूर आइए. अपने देश में इतनी अच्छी एक जगह है, वी शुड ऑल कम हियर वंस. एंड ऑल्सो आपको अपने कल्चर के बारे में बहुत जानने को मिलेगा. आपका कल्चर कितना पुराना है, क्या क्या हुआ है. अगर हो सके तो कम फॉर अ बिट ऑफ टाइम. आई मीन हम बहुत हेस्ट में आए हैं. मेरे ख्याल से 2-3 दिन मिला के अजंता एंड एलोरा आप आराम से कवर कर सकते हैं. दैट वुड बी माई एडवाइस, और रादर आर एडवाइस, राइट? यस. और थोड़ा होमवर्क भी करके आइए तो और अच्छा आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा. यस. तो अभी बच चुका है, टाइम इज 3:05. अभी हमें निकलना है क्योंकि कुछ खाना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? बीवी का मकबरा सीधा. एंड बीवी का मकबरा बंद हो जाता है एग्जैक्टली 6 बजे. ओ बाय द वे दिस इज ये केव नंबर 12 है. ये जैन, आई थिंक ये जैन केव है. जो हमने पहले देखा वो हिंदू केव था. सेकंड वाला जो केव नंबर 10 वो केव नंबर 10 बुद्धिस्ट केव था. और ये केव नंबर 12 जो है ये जैन केव है, इफ आई एम करेक्ट.
सो यही तीन केव मेजरली इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको काफ़ी स्कल्पचर वगैरह देखेंगे। हम अभी केव नंबर 12 पे नहीं, 12 को बाहर से गुजर रहे हैं, अंदर जा नहीं पाए टाइम की कमी के वजह से ऑफकोर्स, क्योंकि 6 बजे तक हमें पहुँचना है, 6 नहीं 5:30 बजे तक, एटलीस्ट 5-5:30 बजे तक हमें वो बीवी का वहाँ पे पहुँचना है, बीवी का मकबरा बीवी। तो हम लोग अभी ये इलोरा रेस्टोरेंट में आए हैं, जस्ट इलोरा केव्स के पूरे कंपाउंड के अंदर ही है ये, नियर द कार पार्किंग, और ये खाना ऑर्डर किया है हमने, एक थाली ऑर्डर किया, हम दोनों शेयर करते हैं, उससे ज़्यादा खाना आज रियली लेट ब्रेकफास्ट, तो 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट खाया था काफ़ी, तो अभी उतनी भी भूख नहीं लगी है, एंड वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू गो टू द मार्केट शाम को, वहाँ पे जाके कुछ लोकल स्ट्रीट फूड भी खाना है, तो इसीलिए अभिजीत राइस खा रहा है, ये चना मसाला पनीर दाल ये सब है, और मुझे राइस नहीं खाना था क्योंकि नींद आएगी, तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर दो अपना तंदूरी रोटी, तो जल्दी से लंच करना है, और हमारी गाड़ी जो है यहीं पे कार पार्किंग में वेट कर रही है, तो गाड़ी को अभी बुलाएंगे एंड देन वी लीव फॉर बीबी का मकबरा। यहाँ पे बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी ताजमहल। हाँ, वो अंदर जाके अब पता चलेगा, दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जगह पहले 6 बजे तक ही खुली रहती थी, लेकिन अभी जो आसिफ हमारे साथ हैं ड्राइवर, उन्होंने बताया कि ये 10 बजे तक खुली है, तो हमें अभी पहले टिकट लेना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनीबडी हु इज़ कमिंग ओवर हियर, दे नीड टू बी फुली वैक्सीनेटेड। इससे पहले भी हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पर भी वैक्सीनेशन ज़रूरी है, सो अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है यहाँ पे तब भी एक ऑप्शन है, पार्टी पी सेंटर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। सो गाइज रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज़ गेट फुली वैक्सीनेटेड बिफोर ट्राइंग एंड विजिटिंग ऑल दीज प्लेसेस। दिस इज़ द क्यू राइट नाउ, दिस इज़ द एंट्रेंस। So we have entered inside, ये पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा बीवी का मकबरा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर जगह, मैं आगरा गई हूँ, बट ऑफकोर्स ये ओरिजिनल ताजमहल तो नहीं बोल सकते, बट हूबहू बिल्कुल वैसा ही दिखता है, जो लोग नहीं गए, हाँ जो लोग नहीं गए वो यहाँ पे आके पहले देख सकते हैं। लुक एट दिस, बिल्कुल आगरा में एरकुम ही ऐसे ही सामने बिल्कुल थोड़ा सा गार्डन है, यहाँ पे बेंच है जहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही बना है सेम। सो गाइस वी डिड अ बिट ऑफ मिनी फोटो सेशन इन फ्रंट ऑफ मिनी ताजमहल। मैं कहीं पे घूमने आऊँ और फोटो सेशन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये पीछे बैकग्राउंड इतना प्यारा दिख रहा है, तो मतलब हाउ कुड वी नॉट डू इट, आई मीन अगर बैकग्राउंड प्यारा नहीं भी दिखे तब भी शौक था जरूर फोटो खींचेगी। सो ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। God, आपको शौकता को ये भी नहीं पता है? मुझे नहीं, आई वाज टेस्टिंग यू। सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, कुछ दिखाते हैं। ऊपर से ये कुछ ऐसा है, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। सही टाइम पे हम लोग पहुँचे और पूरा सब कुछ घूम के अभी वापस जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा होने से पहले अच्छे से देख लिया, गोल्डन आवर में फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो हम होटल वापस आ गए और कल आपको रूम टूर नहीं दे पाए थे क्योंकि बहुत रात को आए थे। Good morning guys, so this is the last day for us here in Aurangabad. Second and last day है, और आज हमने ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा लिया क्योंकि काफ़ी
हम लोग सोए आज बहुत नींद पूरी की, कल इतना थक गए थे, उसके बाद आई थिंक 10 घंटे सोए होंगे राइट। खाते जल्दी जल्दी क्या ब्रेकफास्ट में भेजा है लोगों ने, ये पहले फ्रूट से मैं खा रहा हूँ। हाँ, देन देयर इज टी, कॉफी, टोस्ट, पराठे हैं यहाँ पे, देन ये क्या है, सांबर है, सांबर, दिस इज पोहा, और ये है ऑमलेट, नीचे इडली है, नीचे इडली भी है, तो बहुत खाना है। अच्छे से एकदम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हमारी ट्रेन वापस जाने वाली 2:30 से है फ्रॉम औरंगाबाद स्टेशन, तो वो हमें यहाँ से पहुँचने में एटलीस्ट 45 मिनट्स लगेंगे। और वैसे मैं औरंगाबाद के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जस्ट रीच द स्टेशन, ये पीछे आप देख सकते हैं स्टेशन है, बहुत आवाज़ है यहाँ पे, ट्रेन में चढ़ने के बाद बात करते हैं। सो वी जस्ट सैट नाउ ट्रेन में, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, ज़्यादा ट्रेन रुकती नहीं है। शो का तो लग रहा था ट्रेन ना छुड़ी जाए। अच्छा हुआ हम दोनों की सीट साइड में एकदम है, और कोई यही है बाजू में, तो चेयर कार है। रीच मुंबई अराउंड 10 o'clock, 8 घंटे का भी पूरा जर्नी है। मैं मस्त से पूरी अपनी सीरीज डाउनलोड करके आई हूँ, मैं इनसाइड एज रात को 2 एपिसोड देखे, अभी बाकी के एपिसोड मस्त से देखूंगी। और मैं एक दो मूवीज नेटफ्लिक्स में डाउनलोड करके आया हूँ, वो अरण्यक वो वाला नहीं है, वो भी बहुत, और रवीना टंडन की जो आई है वो भी बहुत अच्छी है, सुना है हमने, ट्रेलर देखा, तो शायद वो भी देख सकते हैं, पता नहीं, अगर देखे तो आपको बताएंगे। हाँ, वो देखेंगे तो हम जरूर बताएंगे आपको। सो आपको दिखाना था, ये हमारा बेस्ट बाई है ऑफ दिस मंथ एटलीस्ट। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ, ये है एक मोबाइल स्टैंड। कैसे है इसका, ये वाला ऐसे होता है और आप मोबाइल ले सकते हैं। इसका प्राइस कितना आपको पता है, इसका प्राइस है 10 रुपये। ट्रेन में जाते जाते भी शॉपिंग कर रहे हो, गैजेट शॉपिंग, बट ये बहुत काम की चीज़ है। मैं अभी ऑलरेडी मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया मोबाइल को रख के, मैं मस्त अपना इनसाइड एज का सीरीज़। और ये मैंने अभी खरीदा पिस्ता, फुल चटर मटर चालू है हम लोगों का, हमने भेलपूरी खाई अभी, भेलपूरी अभी, पाव भाजी, पाव भाजी नहीं, वड़ा पाव खाने का भी टाइम ऑलमोस्ट आ गया, वड़ा पाव भी बिक रहा है। सो वी मेड इट टू दादर स्टेशन एट 10 o'clock, 10 बजे टाइम पे आ गई ट्रेन थैंकफुली, तो अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। सो गाइज, यस हम अभी अभी घर पहुंचे हैं, टाइम अभी ऑलमोस्ट 10:30 35 दिख रहा है, 10:45 नहीं बजा, उसके पहले पहुंच गया, तो थैंकफुली उतना लेट नहीं हुआ गाड़ी। और हमने एक दिमाग लगाया, हम पहले सोच रहे थे सीधा वीटी स्टेशन में उतरेंगे, मतलब CST में उतरेंगे, लेकिन फिर मैंने देखा स्केड्यूल और देखा कि दादर में भी रुक रहा था, हम बोले चलो दादर में उतरते हैं, जल्दी घर पहुंचते हैं। तो ऑल इन ऑल अगेन वी हैड अ वंडरफुल ट्रिप, बहुत मजा आया, एक दिन के लिए था बट हाँ बहुत टाइम कम था। आप में से कई लोग अगेन कमेंट्स में लिखेंगे कि यहाँ जाना चाहिए। देखिए हमारे पास थोड़ा भी अगर टाइम मिलता है ना तो हम ट्राई करते हैं निकलने के लिए, दैट्स द बेसिक थिंग। इस बार हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, 14 आवर्स, आप 14-15 आवर्स आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपके पास ओनली 48 आवर्स है, तो इसलिए हमने ट्रेन लिया। ट्रेन जर्नी भी बहुत अच्छा था, जाते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन में बाय द वे आजकल खाना वाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एंड वापस आते समय मैंने एक मूवी देखा और उसके बाद मैंने Formula 1 अपना रेस देखा, और बाय द वे आज मैक्स वर्स्टैपेन फॉर द फर्स्ट टाइम won the championship beating Lewis Hamilton. It was a very good season. Anyways, that's a different story. और मैंने अपना inside edge almost complete कर लिया, एक ही episode बाकी, वो अभी रात को खत्म हो जाएगा। So अभी हम फटाफट से, मैं अभी फटाफट से fresh हो जाने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, सोने वाला हूँ, क्योंकि कल सुबह office है obviously, and it's a long week ahead, and as it is towards the end of the year, last week में काम उतना होता नहीं है, तो अभी एक दो week बहुत ज़्यादा काम है for me. हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, अगर आप में से कोई भी औरंगाबाद में घूमने जा रहा है, उनको डे ट्रिप के लिए गाड़ी की जरूरत है, तो आई विल पुट इन द नंबर ऑफ आसिफ जो हमारे साथ थे पूरी पूरे दिन ड्राइवर हमारे, तो उनका मैं नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट हिम। बहुत ही अच्छे ड्राइवर है, बहुत ही एंटरटेन किया हमें पूरा दिन, मज़े के स्टोरीज बता बता के, एंड गाइडेड अस टू द गुड प्लेस।
places to go. So you can contact him, and I will put in the name of the hotel where we are staying, all the, you know, everything, all other details jo aap log poochte rehte comments mein usually. तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस ब्लॉग राइट अवे. काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया आई एम श्योर, तो और लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू नो वी कैन कम अहेड विद बेटर ब्लॉग्स अगेन एंड अगेन आपके लिए. और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया. आई विल पुट इन द इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो यहाँ पे, सो यू कैन गो अहेड एंड फॉलो मी एंड यू नो सी all the lovely photographs that I upload on a daily basis. So again, till our next vlog, see you guys. Bye bye.